सो हेलो एवरी वन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि कल हमने टॉपिक कवर किया था मोशन का थ्रू एनसीईआरटी, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, नोट्स में ऑलरेडी एक एक पॉइंट में आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब हम एनसीईआरटी के थ्रू रीड आउट कर रहे हैं ताकि कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं आपके लिए लेके आती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कल मोशन हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़े, सर्कुलर मोशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, और आज हम करेंगे टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या होता है? टाइम कोई भी, आप कोई भी चीज़ करने जाते हो सबसे पहले क्या करते हो? टाइम देखते हो। आप सुबह उठे, टाइम देखते हो, स्कूल जाना है, टाइम देखते हो, कितना टाइम हो गया, मैं टाइम पे तैयार हुआ या नहीं हुआ। मतलब जब भी कोई इवेंट अक्कर करता है, मतलब कोई भी इवेंट, स्कूल जाना है, किसी की शादी में जाना है, जॉब के लिए जाना है, कहीं पर भी एक एक मिनट का हिसाब आपको, उसको क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। मतलब मूवमेंट या ड्यूरेशन जिसमें वो चीज़ अकर हुई, जिसमें वो चीज़ एक्चुअल में हैपन हुई। ठीक है, तो टाइम देखने के जी बहुत सारे तरीके हैं। टाइम तो हम कहीं से भी, आजकल देखो मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्मार्ट वॉचेस हैं, सिंपल वॉचेस हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, टेबल क्लॉक्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम क्या है, टाइम देखते हैं। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? पुराने ज़माने में वो सन डायल से देखते थे। सन डायल ना एक्चुअली में क्या था, सन डायल है वो जयपुर में है। ठीक है, और जंतर मंतर है जो, उससे भी क्या टाइम पता लग जाता था, जंतर मंतर न्यू दिल्ली में है। सैंड क्लॉक्स के थ्रू, वाटर क्लॉक्स के थ्रू क्या है, देखा जाता था टाइम। एक्चुअली क्या होता था, जो पुराने ज़माने के लोग थे वो शेडो से अनुमान लगा लेते थे, शेडो से एक्यूरेटली वो टाइम बता देते थे। ठीक है, उनको सनराइज सनसेट सबका पता किससे लगता था? शेडो से पता लगता था कि इतना टाइम हो गया। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा जस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज़रिए थे जब टाइम देखा जाता था आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में। जंतर मंतर कहाँ पे है? दिल्ली में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सनडायल कहाँ पे है? राजस्थान में है, जयपुर में। ठीक है जी, याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल कहाँ पे है, और बच्चे क्या करते हैं? जंतर मंतर लगा के आ जाते हैं, जबकि ये नहीं है, राजस्थान इज़ द मेन आंसर। ठीक है जी, अब सैंड क्लॉक क्या होता है? आपने देखा होगा, ये होता है सैंड क्लॉक। ठीक है, सैंड ऊपर होती है, वो क्या धीरे धीरे नीचे गिरती है, जैसे जैसे वो ख़त्म होती जाती है टाइम निकलता जाता है, तो उससे क्या है, लोगों को टाइम पता लग जाते थे। ठीक है जी, फिर एक वाटर ग्लास, वाटर क्लॉक होता था, वो उसका भी सेम ही काम था। ठीक है जी, तो ये कुछ क्या है, चीज़ें थी जिनसे हमें क्या पता लगता था, टाइम पता लगता था पुराने ज़माने में और नए ज़माने में। ठीक है जी, अब मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन की बात की गई है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वो मोशन जहाँ पे कोई चीज़ अपने आप को रिपीट करती है, उसी टाइम पे वापस रिपीट करती रहती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हर टाइम में, मतलब जैसे ये सन है, ठीक है, तो अर्थ क्या करता है, उसके आसपास रिवॉल्व करता रहता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पता है अर्थ को कितना टाइम लेना है, कितने टाइम में उसने सन के आसपास रिवॉल्व करना है। ठीक है जी, 365 डेज प्रॉपरली वो रिवॉल्व करता है अपनी प्रॉपर टाइमिंग पे, तभी टाइम पर सनराइज और सनसेट होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन 6 बजे देखो जी अंधेरा हो गया, दूसरे दिन 7 बजे जाके अंधेरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ अपने प्रॉपर टाइमिंग पे क्या करता है, सन के आसपास रिवॉल्व करता है। और जब कोई चीज़, ऑब्जेक्ट हो, अपने आप को रिपीट करता है ना आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, वो है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप सब ने, जैसे आप जाते हो मेले वगैरह में, वहाँ झूले देखे होंगे, ये होता है सिंपल पेंडुलम। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में एक स्ट्रिंग होती है, उसमें ये बॉब अटैच्ड है, ये जो सॉलिड चीज़ है ना, इसको बॉब बोलते हैं, मेटल का बना होता है ये बॉब। ठीक है, एक है पोजीशन ए, एक है पोजीशन बी, ये जहाँ पे बॉब खड़ा है वो है पोजीशन ओ। तो ये बॉब क्या करता है, जैसे ही आप इसको धक्का मारोगे तो पहले ये ए की तरफ मूव करेगा, फिर वहाँ से वापस आके बी की तरफ जाएगा। मतलब इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जाना, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है जी, तो मतलब कितना टाइम पेंडुलम ने लिया एक ऑसिलेशन, मतलब ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम पेंडुलम ने लिया एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं सिंपल पेंडुलम का। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। ठीक है जी, कि कितना टाइम
बॉब ने लिया, बॉब कह सकते हो आप, या कितना टाइम पेंडुलम ने लिया एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी ऑसिलेशंस हुई पर टाइम पर, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो टाइम पीरियड, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। और ये क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। और यही एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, वो ए से बी पोजीशन तक टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता रहता है और टाइम नोट आउट किया जाता है, ठीक है जी। और टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, वो होता है टाइम पीरियड। कितने ऑसिलेशंस उसने किए हर टाइम पे, हर मिनट पे, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपने अपने कार्स में देखा होगा ये लगा हुआ, ठीक है जी। इससे क्या होता है, ये इसको बोलते क्या है आप देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द रनिंग व्हीकल, उसको स्पीडोमीटर बोलेंगे। इससे हमें पता लग जाता है, जैसे हमारी स्कूटी पे, स्कूटी के आगे भी तो ये होता है, उससे क्या होता है, जितनी हमारी स्पीड है 20, 40, 60, हमें सब कुछ पता लगता है कि हम कितनी स्पीड पे जा रहे हैं, कितनी स्पीड से हम भगा रहे हैं अपने स्कूटी को, ठीक है। वो जो इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है एक जो हमें हेल्प करता है स्पीड को मेजर करने में, उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड होती है ना जो व्हीकल की, वो कैसे दिखाई जाती है? किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं एक्चुअल में कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। स्पीडोमीटर से हम स्पीड नापते हैं। और एक होता है ऑडोमीटर, ये आप ऑडोमीटर देख सकते हैं। ऑडोमीटर से हमें पता लग जाता है कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है जी। स्पीडोमीटर से स्पीड पता लगती है, ऑडोमीटर से डिस्टेंस पता लगता है कि हमारा जो व्हीकल है। तो ठीक है जी, स्पीडोमीटर स्पीड चेक करने के काम आती है, और जो ऑडोमीटर होता है कितना डिस्टेंस कवर किया व्हीकल ने, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल, कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑडोमीटर हमें पता लग जाता है, राइट। अब उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ्स के थ्रू ना स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, ग्राफ कई तरह के होते हैं। लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, बहुत से तरीके होते हैं ग्राफ रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। बट मेन जो हम यूज़ करते हैं एक्चुअल में क्या होता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि इन ग्राफ्स में से बताओ कौन सी यूनिफॉर्म है, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म है, कौन सी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। उन्होंने चार तरीके से ग्राफ बना दिए, और बच्चे क्या थे वहाँ पे, कंफ्यूज हो गए थे कि हुआ तो हुआ क्या, उन बच्चों को ग्राफ नहीं बनाने आए। एक्चुअल में क्या था, जब भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो, यूनिफॉर्म क्या क्या होता है कि हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो सेम का मतलब क्या होता है, हमेशा ये क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है जी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये ग्राफ बनते हैं। कितना डिस्टेंस, कितने टाइम पे कवर किया, यूनिफॉर्म होता है सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम, राइट। तो कोई भी डिस्टेंस कोई भी टाइम फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इसका कई बार ग्राफ ऐसा भी बन जाता है, सॉरी नॉट दिस, कई बार इसका ग्राफ ऐसा भी बना जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का ही है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है, जब कोई चीज़ रेस्ट पे है, जब वो चीज़ मूव ही नहीं कर रही तो वो कॉन्स्टेंट ही चलेगी, उसका टाइम भी कॉन्स्टेंट है, उसका डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म स्पीड पे वो मूव कर रही है, ठीक है जी। तो क्या है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो रेस्ट पे पड़ा है एक तरह से। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये तीन ग्राफ्स बस अच्छे से कर जाना, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर पे आते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर पे हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हम हाईलाइटेड पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़ा। मोशन चैप्टर हमने कल रिवाइज किया था, आज हमने टाइम किया, तो सबके पॉइंट्स टू रिमेंबर करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। सबसे पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो
तो मतलब वो रेस्ट पे है, आराम कर रहा है. अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपनी पोजिशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगा, मोशन होती है, वो मूव कर रहा है. ठीक है जी. एक होती है स्लो मोशन, जब कोई चीज़ धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ती जाती है, जैसे टॉर्टवाइज हो गया, ठीक है, कछुआ, स्नेल हो गया. फास्ट होता है जब कोई चीज़ फटाफट मूव करती है, मतलब बहुत लंबे डिस्टेंस को फटाफट से कवर कर लेती है, ठीक है, वो होती है फास्ट मोशन, जैसे चीता हो गया. स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. याद रखना इसमें से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है जी. ये है स्पीड का फॉर्मूला, आप देख सकते हैं. और ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की, मतलब डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी. तो ऑब्जेक्ट जब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ, अभी बताया था, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, दिस वन, राइट. और जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे बट उसकी स्पीड डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे बनता है, टेढ़ी मेढ़ी, कोई भी दिशा में जा रहा है, ठीक है जी, ये वाला. नेक्स्ट, टाइम क्या होता है, हमें पता है ड्यूरेशन होती है जिसमें इवेंट्स अकर होते हैं. और टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, वॉल क्लॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, डिजिटल क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, मोबाइल फोन्स, बहुत से जरिए हैं टाइम को मेजर करने के. नेक्स्ट, एंशियंट टाइम्स में, मतलब पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कैसे टाइम मेजर करते थे, विद सन डायल, सैंड क्लॉक, वॉच क्लॉक्स, ठीक है, सॉरी, वाटर क्लॉक्स. उसके बाद पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वो मोशन जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े टाइम बाद खुद को क्या क्या रिपीट करता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है. अब टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं. सिंपल पेंडुलम मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, ये मैंने अभी अच्छे से समझाया. टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है और इसमें ऑसिलेटरी मोशन होती है, राइट. और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, मीन्स फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने के लिए जो एक ऑसिलेशन हुई, कितना टाइम लगा, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है. और कितनी ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम हुई, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर की जाती है, या फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, वो होती है हर्ट्स, ठीक है जी. स्पीडोमीटर किस काम आता है, स्पीड मेजर करने के, ठीक है. ऑडोमीटर किस काम आता है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो देखने के. देन और जो ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म के लिए, हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है जी. सो आई होप आज का जो टाइम हमारा टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है. फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, या आप चाहते हो कि मैं वो टॉपिक समझाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है. टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.